नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। साल 2022 कई मायनों में खास है क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एक राज्य है देवभूमि। जी हां, बात मैं उत्तराखंड की कर रही हूं। उत्तराखंड में भी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सबकी निगाहें इस ओर टिकी हुई हैं कि उत्तराखंड में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि इन 5 सालों में उत्तराखंड में बहुत कुछ बदला है। जनता के लिए बदला हो चाहे ना बदला हो, लेकिन बीजेपी में बहुत कुछ बदला है क्योंकि 3 मुख्यमंत्रियों के चेहरे यहां पर बदले गए हैं। अब खुद पार्टी के आला कमान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 तारीख को उत्तराखंड आ सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। देवभूमि में दर्शन पूजन कर सकते हैं। हालांकि उनका मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम है इस ओर तो कोई ध्यान नहीं जा रहा है और कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो केदार दर्शन जरूर करते हैं और इस बार भी उम्मीद लगाई जा रही है कि केदार दर्शन होंगे। हालांकि कुछ जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका ये भी कहना है कि ये जो दौरा है उनका वो चुनावी लिहाज का नहीं हो सकता। चुनावी लिहाज का जो दौरा होगा उनका वो नवंबर में हो सकता है, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो राजनीति की बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं राजनीति में और बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। उनका ये कहना है कि नहीं, अभी से ही चुनावी बिगुल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में बजा सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड की अगर मूलभूत जरूरतों की मैं बात करूं और जनता की बात करूं कि जनता के मूड में क्या कुछ चल रहा है, तो वो जरा आपको फटाफट मैं बता देती हूं। उत्तराखंड में मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोग परेशान हैं, क्योंकि धरातल पर जब आप जाएंगे तो जानेंगे कि लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। बीजेपी अपने 3 चेहरे मुख्यमंत्रियों के बदल चुकी है। ऐसे में जनता विश्वास नहीं कर पा रही है कि आखिर किसका काम ज्यादा बेहतर है या किस पर विश्वास करना होगा। इसलिए अब कोशिश है कि प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड जाएंगे तो शायद जनता तक एक अच्छी पकड़ फिर से बना सकें, जो जब भी उत्तराखंड जाते हैं वो बनाते हैं, वही जो सारी चीजें हैं वो दोबारा से दोहराई जा सकती। आपको बता दूं कि केदार दर्शन के अलावा जानकारी मिल रही है कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भी तैयारियों का जायजा ले सकते हैं। कितना काम हुआ है, कितना आगे बढ़ा है, कब तक शुरुआत होगी, इसका जायजा लेंगे। इसके अलावा ऋषिकेश ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर सकते हैं। ऋषिकेश ऑक्सीजन प्लांट कोरोना महामारी में ऐसा होगा कि पहली बार उत्तराखंड जा रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो यहाँ पर वो ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि कोरोना की दूसरी लहर में किस तरह से ऑक्सीजन के बिना लोगों की जान जा रही थी और कई अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, जिसकी वजह से कई दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा था। स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं इससे काफी ज्यादा आहत हुई थी, तो ऐसे में इसका उद्घाटन होगा। इसके अलावा 7 अक्टूबर जो तारीख है ये कई मायनों में खास है। एक तो उत्तराखंड प्रधानमंत्री जा रहे हैं, दूसरा ये कि 7 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। नवरात्र सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा एक त्यौहार माना जाता है। 9 दिन माँ दुर्गा की उपासना होती है, उसके बाद दशहरा होता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी जो दौर की शुरुआत है वो इसी दिन को चुना है और इसी दिन जा सकते हैं। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि केदार दर्शन के साथ साथ वो कन्या पूजन भी कर सकते हैं। इसके अलावा 7 सालों में वो उत्तराखंड जाते रहे हैं, उत्तराखंड में जाकर तैयारियों का जायजा भी लेते रहे हैं। जो प्रधानमंत्री के वहाँ पर ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका भी जायजा लगातार उन्होंने लिया है। जो वहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं वो भी जनप्रतिनिधियों से जानने की कोशिश लगातार उन्होंने की है। आम जनता से सीधा संवाद वो करते हैं। वहाँ की जो योजनाएं हैं उसका लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके बारे में भी जानकारी लगातार जुटाते रहते हैं, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हो चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो। हालांकि विपक्ष इस डबल इंजन की सरकार को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर और राज्य सरकार पर हमलावर रहा है। उनका कहना है कि पिछले इन 4.5 सालों में बीजेपी ने जनता को कुछ नहीं दिया है सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय यहां पर समस्याओं के कुछ और नहीं दिया गया। अगर बात आम जनता की जाए तो आम जनता के बीच जब हम पहुंचते हैं तो बहुत चीजें निकलकर सामने आती है। एक तबका ऐसा है जो सरकार को बहुत पसंद करता है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो लगातार ये कहता है कि उत्तराखंड में जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। देखिए, उत्तराखंड की अगर समस्याओं की बात की जाए तो प्राकृतिक आपदा, देखिए उसे रोक तो कोई नहीं सकता, लेकिन उसको लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा ये कि पलायन वहां पर बहुत ज्यादा होता है, लोग नौकरी के सिलसिले में
दूसरे राज्यों में जाते हैं, बड़े शहरों का रुख करते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, यहाँ का रुख करते हैं, तो ऐसे में परिवार से दूर हो जाते हैं। लेकिन वहाँ की जनता चाहती है कि उनके जो घर परिवार के बेटे बेटियाँ हैं वो वहीं रहकर अपने हौसलों को और ज़्यादा उड़ान दें, तो ऐसे में ज़रूरत है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। देखिए, उत्तराखंड को बने हुए काफ़ी साल हो गए हैं, 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। ऐसे में उत्तराखंड वासियों में उम्मीद है कि 20 साल में हमें और ज़्यादा प्रगति करनी चाहिए। हमारे जो प्रदेश है उसका विकास उस स्तर पर नहीं हो पाया है जिस स्तर पर होना चाहिए था। तो ये मूलभूत सुविधा जो समस्याएं हैं वो लोगों की हैं, ये सुविधाएं उन्हें चाहिए। देखिए, पढ़ाई की जो सुविधा है वो लोगों को मिलनी चाहिए, शिक्षा की बेहतरी होनी चाहिए, पेयजल की व्यवस्था के लिए लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोशिश करती रहती है। इसके अलावा विद्युत की जो समस्या है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में कई बार ऐसा होता है कि बिजली की समस्या होती है, आंधी तूफान, भूस्खलन, तेज़ बारिश, बाढ़, इन सभी की वजह से कई बार जो बिजली के खंभे हैं वो टूट कर गिर जाते हैं। कई गाँव ऐसे हैं जो फिर अंधेरों में कई महीने काटते हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा देखिए, टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन उत्तराखंड में कई शहर और कई ऐसे गांव हैं जहां पर टेक्नोलॉजी अब भी उतनी हाईटेक नहीं है जितनी अन्य प्रदेशों में है या अन्य शहरों में है, क्योंकि वहां उनका संपर्क उन चीज़ों से नहीं हो पाता है। प्राकृतिक आपदा की वजह से छोटे छोटे गाँव हैं, उनका संपर्क मुख्य मार्गों से टूट जाता है, तो वो पूरी तरह से अंधेरे के साए में चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हमने देखा है कि इस कोरोना काल में जब ये कहा गया कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे क्योंकि कोरोना चल रहा है, ऐसे में बच्चे अगर जाएंगे, क्योंकि बच्चों को इतना नहीं पता है कि कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन कैसे करना है, उनके नियमों का कैसे पालन करना है, तो ये समस्याएँ थी। तो ऐसे में इसका हल निकाला गया कि ऑनलाइन पढ़ाई होनी चाहिए। उत्तराखंड में कई परिवार ऐसे थे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, कई परिवार ऐसे थे जिनके बच्चे स्मार्टफोन लेकर पेड़ पर चढ़कर या पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये भी समस्या है, ये बहुत जरूरी है इन पर बात करना, और ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, यही वहां की जनता को खुश कर सकती है। देखिए, राजनेता जो है वो आरोप प्रत्यारोप तो करते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, या फिर आप देखिए, आप यहाँ बात हो रही है दोनों पार्टी की, सारी पार्टी, सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी तो दखल अंदाजी कर ही रही है, पुरजोर कोशिश कर रही है अपने पैर जमाने की। फ्री पानी, फ्री बिजली जो दिल्ली में किया है वही उत्तराखंड में करने की कोशिश करें, लेकिन जनता उसको कितना स्वीकार करती है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के से आगे उठकर अब राजनेताओं को सोचना है कि प्रदेश का विकास कैसे हो, क्योंकि 20 साल से ज्यादा समय हो गया है प्रदेश को बने हुए, उत्तर प्रदेश से अलग हुए हुए, तो ऐसे में अब जरूरत है कि वो गति मिलनी चाहिए विकास को जो गति अब तक नहीं मिल पा रही है। इन 4.5 सालों में जो कामकाज हुआ है वो प्रदेश सरकार लगातार लोगों तक पहुंचा रही है, कई रैलियां, कई जो यहां पर योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं, कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि लोगों तक इन 4.5 सालों में जो काम बीजेपी ने किया है वो पहुंचाया जाए। विपक्ष लेकिन उसका कटाक्ष कर रहा है, कांग्रेस जो कि वहां मुख्य विपक्ष के रूप में देखी जाती है, कांग्रेस का ये कह रहा है कि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। आम आदमी पार्टी बीच में आ रही है लेकिन एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के रूप में आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास बहुत सारे विजन हैं, चाहे वो फ्री बिजली देना हो, चाहे वो फ्री में नौकरी देना हो, और नौकरी ना मिलने पर रोजगार भत्ता देना हो, ये सबसे बड़ी बात है कि रोजगार भत्ता उन युवाओं को दिया जाएगा जिनकी नौकरी नहीं लगती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं और ये उत्तराखंड के मुद्दे हैं। देखिए, उत्तराखंड के अगर देश की बात की जाए, देश में तमाम राज्य हैं, तमाम राज्यों की बोलियां अलग है, तमाम राज्यों का खान पान अलग है, तमाम राज्यों के लोग अलग हैं, तमाम राज्यों के लोग कई ऐसे हैं जो हाईटेक है, कई ऐसे हैं जहाँ पर अब भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। उत्तराखंड के जो लोग हैं ना, देश में बहुत ज़्यादा एक मासूम छवि के बताए जाते हैं कि मासूम हैं और बहुत मेहनती होते हैं, परिश्रम बहुत अच्छा करते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने परिवार के साथ रहें, क्योंकि परिवार से दूर हो जाते हैं तो उनके लिए भी मुश्किलें हो जाती हैं। ये सारी बातें हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, तमाम जो मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हमारा जो पूरा फोकस रहेगा ना वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री करीब करीब 1.5 साल बाद, या ये मैं कहूँ कि 2 साल बाद उत्तराखंड आ रहे हैं, देवभूमि में केदार के दर्शन करने आ रहे हैं। उम्मीद बहुत है लोगों को कि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो प्रदेश को विकास की सौगात देते हैं और बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ प्रदेश को होता है। इसके अलावा तमाम योजनाओं का यहाँ पर वो जिक्र करके जाते हैं जो धरातल पर
उतारनी होती है। इसमें सबसे बड़ी जो योजना है वो ऑल वेदर रोड की है। ऑल वेदर रोड वो रोड है जो हर छोटे से छोटे गांव और शहरों के संपर्क में रहेगा, ताकि अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो आसानी हो लोगों तक पहुंचने में, उनसे संपर्क करने में और तमाम जो राहत बचाव का काम है वो करने में भी आसानी हो। इसके अलावा बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, वो राज्य सरकार के भी हैं, उन पर भी लगातार काम हो रहा है, लेकिन कुछ अधिकारी या कुछ प्रशासनिक अमला ऐसा है जो उन योजनाओं को धरातल पर नहीं पहुंचा पाता, वो सिर्फ कागजों में लिखा रहता है। तो अब उम्मीद लोगों में बंधी है कि आखिर देर से ही लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इस कोरोना काल में डेढ़ साल बाद उत्तराखंड का दौरा उनका रहेगा। हालांकि ये उत्तराखंड का दौरा सियासी मायनों में बेहद खास है, लेकिन आम जनता के दिलों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड वासियों का जो रिश्ता है वो बहुत ही अनूठा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी वासियों से एक बहुत अच्छा रिश्ता लगातार रखते हैं, बनाते हैं, उनका बना हुआ है, वैसा ही रिश्ता उत्तराखंड वासियों से भी है। तो उत्तराखंड वासियों ने अभी उम्मीद जता ली है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनके सामने तमाम बातें, तमाम अपनी समस्याएं रखेंगे, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड जाते हैं तो वो लोगों से संपर्क जरूर करते हैं। ऐसे में हो सकता है कि उनका एक बड़ा संबोधन हो, उसको लेकर तैयारियां भी कर ली गई हैं। पीएमओ की एक टीम पिछले सप्ताह गई भी थी और वहां जाकर देखा था कि केदारनाथ में वहां घाटी में क्या कुछ तैयारियां हैं, आसपास क्या कुछ तैयारियां हैं, वो तमाम चीज़ें देखी गई थी। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही है। तो हमारे साथ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखपत बटोला जी प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और हिमांशु पुंडीर आप नेता हैं। देखिए आप सभी का बहुत स्वागत है सबसे पहले न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। नमस्कार मैम। नमस्कार। लखपत बटोला जी, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल अपने आप को मानता है उत्तराखंड में, लेकिन यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की नहीं हो रही है, बात यहाँ हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 तारीख को आ रहे हैं। सियासी मायनों में ये दौरा बेहद खास है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये जो दौरा है वो सिर्फ एक आम दौरा है। आप किस तरह से इस दौरे को समझ सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब जनता से वो संपर्क करेंगे तो एक अलग ही छवि और अलग ही आवाज जाती है जनता तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देखिए पहली बात आप बताएं कि आप नहीं मानते कि हम सबसे बड़ी विपक्षी यहाँ पे विपक्षी दल है, ये कांग्रेस क्या मानेगी है ही विपक्षी दल, यहाँ पे तो मानने वाली बात नहीं। दूसरी बात, आपने प्रधानमंत्री का 10 मिनट से इतना बड़ा व्याख्यान कर दिया है कि जैसे हिमालयी पुत्र प्रधानमंत्री जी हैं। निश्चित रूप से स्वागत ही हो गया। मैं कुछ बातें अब कहना चाहता हूँ, शुरू करना। प्रधानमंत्री जी 2014 से 18 बार उत्तराखंड की धरती पे आई है, और 18 बार आने के बाद 18 रुपया इन्होंने उत्तराखंड को नहीं दिया। आप एक दौरा बताएं जिसमें प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के लिए पैसा दिया हो। आपको जान के ताजुब होगा कि इस प्रदेश को 70,000 करोड़ के कर्जे में ले जाने वाली डबल इंजन की सरकार है। पिछले 4 सालों में 27 करोड़ रुपए का कर्जा इस प्रदेश पे दिया है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद सबसे कम स्तर पे आज इस प्रदेश का है। मैं कहना चाह रहा हूँ, आप चार धाम की बात कहना चाह रहे, केदारनाथ की बात करना चाह रहे, वहां के पंडा पुरोहित समाज पूरा का पूरा सड़कों पे उतरा हुआ है। भाजपा की सरकार में कुंभ के अंदर इतना आरटीपीसीआर का इतना बड़ा घोटाला हुआ है, और ये तो जान के ताजुब होगा आपको कि जो चेंद्र पोषित योजना होती है कर्मकांड बोर्ड के अंदर, वहां इतना बड़ा भ्रष्टाचार घपला हो चुका है कि मंत्री एक अध्यक्ष को गाली देता है, अध्यक्ष मंत्री को गाली देता है। ये स्थिति उत्तराखंड की है। उत्तराखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री एक मंत्री को गधा कह देते हैं, और एक मंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को कहता मूर्ख और नालायक है। तो आप एक चीज बताइए, पहले तो आप इस आंकड़े को बता दीजिए मुझे, और भाजपा का कोई प्रवक्ता बता दे कि 15 प्रधानमंत्री जी के 18वें दौरे के लिए क्या प्रधानमंत्री जी 18 रुपया इस प्रदेश को दिया है। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ऑल वेदर रोड है। क्या उत्तराखंड में इससे पहले ऑल वेदर रोड नहीं थी? नहीं, ये चार धाम विकास रोड, सुन लीजिए मैं पूरी बात, चार धाम विकास रोड इसका मूल नाम है, ऑल वेदर कहीं नहीं है। ये आपको मैं बता चाह रहा हूँ, योजना जो है चार धाम विकास रोड है, बॉर्डर की रोड है, कांग्रेस के टाइम पे स्वीकृत हुई थी। और मैं आपसे ये कह सकता हूँ ये रोड ऑल वेदर जिसको करिए एक वेदर नहीं झेल पाई। इस समय आपको जान के ताजुब होगा, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ कि 3 जिलों के डीएमओ को कहना पड़ा
कि हम यात्रा नहीं कर सकते हैं, यात्रा को रुकवा दीजिए, स्थानीय लोगों को रुकवा दीजिए, सरकार और शासन से। जनता ने 2017 में बहुत बड़ी गलती करी थी कि बीजेपी को सरकार निश्चित रूप से सुन लीजिए निश्चित मैं आपसे कह सकता, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी और अमित शाह जी ने, माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी ने 2017 में जुमला दिया था डबल इंजन की सरकार, तो हम डबल विकास देंगे। तीन तीन मुख्यमंत्री पर 57 को बहुमत दिया था इस प्रदेश की जनता, 2/3 का बहुमत दिया। आपने इस जनादेश का गला घोटा है, आपने इस जनादेश को अपमानित किया उत्तराखंड की जनता का। तीन तीन मुख्यमंत्री यहाँ थोपे हैं आपने, आपको इतने बड़े जनादेश मुख्यमंत्री बदलने के लिए दिया या इस प्रदेश को कर्जे में डुबाने के दिया? देश सुन, सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए। सीएमआईआर की रिपोर्ट कहती है उत्तराखंड बेरोजगार दर में दूसरे नंबर पे है। आज आप कोरोना में मरने वाले सबसे ज्यादा रेशियो उत्तराखंड के अंदर रही। भ्रष्टाचार की स्थिति मैंने आपको बता दिया, बेरोजगार दर में ये सरकार साढ़े चार साल में लखपत जी एक मिनट मेरी बात भी सुन लीजिए पूरी बात, मैं 10 मिनट सुना की बात कर रहे हैं, एक मिनट बस। कोरोना में जब 10 मिनट की बात कर रहे हैं तो महाशक्ति अमेरिका में भी 7 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं, तो इसका जिम्मेदार आप सीधे सीधे सरकार को नहीं ठहरा सकते ना आप। सुन लीजिए आप, बहुत अच्छी बात, जब आप सुन लीजिए, जब अमेरिका की बात करते हैं ना, तो आप बगल में नेपाल की बात क्यों नहीं करते जहाँ पर डीजल पेट्रोल 3 रुपया बिक रहा? पाकिस्तान की क्यों बात नहीं करते जहाँ पे 56 रुपया मिल रहा और सबसे कम मरे? एशिया में सबसे ज्यादा मरने वाले लोगों की संख्या हिंदुस्तान के अंदर है, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता एशिया के अंदर? जो अमेरिका चले जाते हैं, आप एशिया में श्रीलंका की बात क्यों नहीं करते? आप श्रीलंका की बात क्यों नहीं करते? आप नेपाल की बात क्यों नहीं करते? पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात क्यों नहीं करते? नहीं, सवाल का जवाब दीजिए आप। जीडीपी सुन लीजिए, जीडीपी बांग्लादेश में 8% ऊपर है, हमारे -24% चले गए। आप अमेरिका और यूएसए को जवाब देंगे? ये नहीं चल, मैं जवाब यथार्थ पे आ रहा हूँ। आपने 10 मिनट का, मैं 10 सेकंड आपकी अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, मैं आपसे कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आकर के उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि 2017 में जो जमला हमने डबल इंजन का किया था वो हमसे गलती हुई है और इसके लिए हमें माफी दी, तो हो सकता है उत्तराखंड की देवप्रिय जनता इनको माफ करे। माफी मांगनी चाहिए 70 सालों के लिए, माफी किस लिए मांगनी चाहिए? आरोप प्रत्यारोप कर सुन लीजिए, प्रदेश का विकास नहीं करेगा कोई भी, विकास आपने नहीं किया, आप विकास नहीं देखते देश के अंदर। मैं पूछना चाह रहा हूँ 70 साल कांग्रेस ने राज किया, 97% बेरोजगार करती गरीबी, 97% हमारे देश गरीब, 27% मिले। सुन लीजिए, मेरे शब्द सुन, हाँ पूछे उनको जुमलों से, मैं पूछना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए, पूछना चाह रहा हूँ, 8 सालों में आपने 21 करोड़ लोग गरीब रेखा के नीचे ले गए, आप 52 करोड़ से ज्यादा नीचे गरीबी के रेखा नीचे गए, कितने इनकम टैक्स के अवलंबन आपने खड़े किए, इसमें तो पूछा जाना चाहिए। बहुत ऐसे मानसू जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, नई पार्टी लेकिन दिल्ली में तो कई साल हो गए हैं, लेकिन उत्तराखंड में तो पुरजोर कोशिश हो रही है पैर जमाने की। फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ फ्री में ही दीजिएगा या जनता का दिल भी जीतिएगा? मैम नमस्कार, इसमें मैम फ्री शब्द जो है ये एक शब्द है, ये फ्री नहीं है, ये आम जनता का हक है, ये उत्तराखंड वासियों का हक है जो उन तक मिलना चाहिए। जो बड़े बड़े नेताओं को बिजली फ्री मिलती है, बड़े बड़े अधिकारियों को बिजली फ्री मिलती है, एक आम आदमी में को क्यों बिजली फ्री नहीं मिल सकती? हम उस व्यक्ति के लिए सोचते हैं जो पंक्ति में सबसे आखिरी में खड़ा हुआ है। ये प्रधानमंत्री जो 18वां दौरा है, अभी मैं हमारे मित्र बुडोला जी की बात सुन रहा था, इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप लगाने के अलावा कुछ कोई विकास कार्य नहीं किया है। आप चाहते हैं कि जो दोनों पार्टियां कर रही हैं लड़ती रहें और आप बीच में गप से लड्डू खा लें जीत का? बिल्कुल, ये हमने सिर्फ विकास कार्यों की बात होगी, हम विकास कार्य ही करेंगे। ये हमने दिल्ली मॉडल पे काम किया है, दिल्ली को एक हमने दिल्ली मॉडल जी हिमांशु जी, दिल्ली मॉडल का अगर मैं बात करूं तो मैं दिल्ली से ही हूं, दिल्ली में ही रहती हूं, तो दिल्ली मॉडल की अगर मैं बात करूं, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, काम किया है, लेकिन जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। अब भी मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही है, अब भी जब बारिश होती है हमारी पूरी लावाला भर जाती है, अंडरपास भर जाते हैं, डीटीसी बसें जो है ना वो खराब हो जाती हैं। मैम हमारी पुरजोर कोशिश है, ये जो पानी की समस्या है हमारे दिल्ली के अंदर ही नहीं, हमारे उत्तराखंड के अंदर ही नहीं, ये पूरे देश के अंदर है। जब तक कि सही तरीके से पूरा प्रॉपर एक सिस्टम नहीं बनाया जाएगा इस पानी की निकासी की प्रॉब्लम से हम नहीं भाग सकते। रही बात दिल्ली मॉडल की, हमने दिल्ली के अंदर अच्छे स्कूल दिए हैं, अच्छा शिक्षा का स्तर दिया है, स्वास्थ्य अच्छा स्वास्थ्य दिया है, स्वास्थ्य मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं और महिला देखिए एक दो 100
100 में से अगर एक दो मोहल्ला क्लिनिक पे कहीं किसी कारणवश सफाई नहीं हो पाई तो हम उन 98 मोहल्ला क्लिनिक को नहीं निकाल सकते। कहीं लालच नहीं है मैडम, मैडम ये लालच नहीं है, ये जनता का हक है, ये जनता का हक है। जब नेताओं को मिल सकती है तो गरीब जनता क्यों नहीं मिल सकती? ठीक है, ये ऊर्जा प्रदेश है, ये ऊर्जा प्रदेश है मैडम, ये लालच बिल्कुल भी नहीं है, ये जनता का हक है और उन्हें मिलके रहेगा। तो बाकी पार्टी जब हमने कहा हम 300 बिजली यूनिट फ्री देंगे, मान लेती हूँ कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में सरकार बनाने जा रही है, केंद्र में सरकार बनाने जा रही है, तो पूरे देश में बिजली और पानी मुफ्त कर दीजिएगा, देश चल जाएगा ऐसे? मैम हम उन चीजों को रोकेंगे, भ्रष्टाचार को रोकेंगे, भ्रष्टाचार को उन बड़ी बड़ी कमीशन खोरी को रोका जाएगा जिनसे नेता लोग अपने घर भरते हैं, उस पैसे से हम जनता की सेवा करेंगे। बीजेपी से अलग क्या करने वाले हैं? क्यों आम आदमी, क्यों आम आदमी को आम आदमी वोट दे, बताइए। मैम आम आदमी को इस बार जनता ने मन बना लिया है वोट देने का, जनता परेशान हो चुकी है। जो सिलेंडर 400 रुपए का था वो आज 900 रुपए का हो रखा है, जो तेल आज 60 रुपए लीटर था आज वो 100 रुपए लीटर हो रखा है, जो खाने का तेल का सरसों का तेल था वो 100 रुपए लीटर था आज 200 रुपए लीटर हो रखा है। निजात दिला देंगे उत्तराखंड की जनता को? क्यों नहीं मैम, हम यहाँ सारा काम करेंगे, हम टैक्स बचाएंगे, हम लोगों को क्या कहते हैं वो सब चीज सुविधाएं देंगे जिनसे जनता का मूल रूप से अधिकार है। बुटोला जी जो अभी कह रहे थे, बहुत देर से आपने सुना भी होगा, हिमांशु जी बुटोला जी बहुत कह रहे थे कि कांग्रेस ने विकास किया है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है, भ्रष्टाचार किया है। तो कांग्रेस जो कर रही है आप उनको सुन रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया और अब क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तो यहाँ पर इस कंपटीशन में आप भी आ गए हैं, तो कांग्रेस के लिए तो बहुत मुश्किलें बढ़ गई हैं, एक तरफ बीजेपी दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। मैडम देखिए ये कांग्रेस और भाजपा एक ही पार्टी है, कभी विधायक इधर हो जाते हैं कभी जी कांग्रेस और भाजपा एक सुनते रहिए, 9 के 9 विधायक कभी उधर चले जाते हैं, अभी अभी चुनाव आएंगे तो इस दोबारा शफलिंग हो जाएगी। आपने कांग्रेस को वोट दिया, वो कांग्रेस वाला भाजपा ज्वाइन कर लेते आपका वोट तो व्यर्थ गया। ये पार्टी एक दूसरे के ऊपर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। अभी बात कर रहे थे ऑल वेदर रोड की, आप जगह जगह देख रहे हैं प्रदेश में पुल टूट रहे हैं, रोड टूट रही है, चार धाम यात्रा बिल्कुल जीरो कर दी है। अरे कुछ तो प्रदेश का जितना ऐसी बात है, कुछ प्रदेश तो ऐसे हैं जो अभी कुछ दिन पहले बनाए गए थे, एक साल भी नहीं हुआ वो पुल टूट चुके हैं, रेलिंग टूट रही है। यही तो विकास किया है ये डबल इंजन की सरकार ने, इंजन बार बार बदल बदल के देख रहे हैं। बात हो रही थी 70,000 करोड़ का जो कर्जा उत्तराखंड के ऊपर है, ये कर्जा किसने लिया? ये बड़े बड़े नेताओं ने लिया है, ये जो विकास कार्य जो किए हैं उन ये कर्जे में पूरा स्टेट लेके आने वाले पूर्ण रूप से जिम्मेदार है भाजपा और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है। इन्होंने विकास कार्यों के नाम पे पैसा ऐठा है और वो विकास कार्यों पे कोई काम नहीं किया है लोगों ने। विकास के नाम पर देखिए सबसे जरूरी है इंसान का स्वास्थ्य, सबसे जरूरी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मिले, वही लोगों को मिलो पैदल शिक्षा शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हमने थोड़े दिन पहले पूरे उत्तराखंड के स्कूलों की स्थिति दिखाई थी, किस तरह जर्जर स्कूल हो रखे हैं। स्वास्थ्य की बात करी जाए, आज भी कांडी पे वो महिलाएं ऊपर से लटक के नीचे पहाड़ से आना पड़ता है उन्हें, उनके लिए कोई स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। आज भी गर्भवती महिलाएं को अपने घर के अंदर ही सारी चीजें देखनी पड़ती है, कोई उनके लिए कोई स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, कोई भी बेहतर रोजगार नहीं है हमारे उत्तराखंड के अंदर, पलायन लगातार हो रहा है, बिजली की समस्या है। कि आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि कांग्रेस और बीजेपी तो एक है, उनका आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, हम बीच में लुभावने वादे करके जीत का स्वाद। लुभावने वादे मैडम जो हमने कहा है, हमने दिल्ली के अंदर जो कहा था वो किया है और उत्तराखंड के अंदर भी हम जो कहा है वो करेंगे। 2022 में दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव होने हैं तो दिल्ली की भी मैं बात करूंगी, लेकिन अभी बात उत्तराखंड की हो रही है। बुटोला जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे और मेरे पास समय की थोड़ी कमी है तो जल्दी से कम्प्लीट करेगा क्योंकि सिर्फ आधे घंटे की ये चर्चा हमने रखी है। जी मैं माने केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की जनता के प्रति जवाब दिए हैं। मैं दो चीजें हिमांशु जी से पूछना चाहता पंडित जी से। पंडित जी आपने कहा है कि हम इस प्रदेश में प्रत्येक 1,00,000 रोजगार नौकरियां देंगे, आपने कहा कि बेरोजगारों को 5,000 रुपया बता देंगे। दिल्ली सरकार CMIR की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में 27.3% की दर से बेरोजगारी बढ़ रही, देश में तीसरे नंबर पर बढ़ रही, दिल्ली की बेरोजगारी कम नहीं हो पाई, सबसे तेजी से बढ़। उत्तराखंड के अंदर मैं एक कहानी बताता हूँ आपको, थोड़ा अर्थशास्त्र का समझिए।
21 लाख परिवार उत्तराखंड में माना सुन लीजिए तो 30 सेकंड, 8 लाख परिवारों को रोजगार मिल गया, 15 लाख परिवार यदि बेरोजगार हैं, बेरोजगार भत्ता 5,000 देंगे तो 7.5 अरब होता है। उत्तराखंड का घरल से घरल उतारी 2,78,000 करोड़ रुपया है, 60,000 करोड़ का बजट है उत्तराखंड के अंदर। अब 7.5 अरब रुपया कहाँ से आएगा? एक जो अर्थमैट है वो बहुत गलत किया कर गया। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ, दिल्ली 1484 वर्ग किलोमीटर में और उत्तराखंड एक विधानसभा 8,000, चमोली मेरी बद्रीनाथ विधानसभा 4,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, मेरा ग्राम सभा 1484 वर्ग किलोमीटर, यानी कि दिल्ली जो पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल है वो मेरी ग्राम सभा से छोटा है। हमारे यहाँ तो कई बार 10-15 वर्ग किलोमीटर का ग्राम सभा होती है। तो जो ये बातें कह रही है, जिस तरह की बातें, आप क्या कहना चाह रहे हैं वो समझ पा रही हूँ कि दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी चाहती है कि उत्तराखंड का विकास हो, लेकिन ऐसा मैंने कह दिया कि झूठ की सीमा होती। मैं कह सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एक फेंकने वाले बाबा 2017 में आए थे, उससे बड़ा फेंकने वाला बाबा इस समय दिल्ली से आए। बुटोला जी, मैं समझ रही हूँ आपका विजन, मेरे पास समय की कमी है, मुझे इस चर्चा को यही खत्म करना है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का विजन क्लियर है। कांग्रेस ये कहती है कि सत्ता में बीजेपी की सरकार है लेकिन कुछ नहीं किया है डबल इंजन की सरकार होते हुए भी। आम आदमी पार्टी जो है वो ये कहती है कि कांग्रेस और बीजेपी एक है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी लुभावने वादे दे रही है, लेकिन उन लुभावने वादों पर जनता का क्या रिएक्शंस है वो तो 2022 में ही पता चल पाएगा। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है उत्तराखंड में, क्या कुछ बदलेगा और किस तरह की चुनावी जनसभाएं होंगी वो देखना होगा। अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक